गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, टेंथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था वाटर रिसोर्सेज। उसी का हमने जो है कुछ एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए गए प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, वो हमने पढ़े थे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान के बारे में। राजस्थान के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में से लास्ट प्रोजेक्ट हमारा रह गया था, लास्ट प्रोजेक्ट को मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या है लिखा है, लास्ट प्रोजेक्ट है वो है राजस्थान कैनल, जिसको इंदिरा गांधी कैनल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों स्टार्ट किया, देखिए थार डेजर्ट के अंदर पोर्टेबल वाटर की सप्लाई के लिए, थार डेजर्ट के अंदर किस मकसद से, मतलब क्या पर्पस था इसको स्टार्ट करने का, तो थार डेजर्ट के अंदर पोर्टेबल वाटर की सप्लाई के लिए। सेकेंड पर्पस इज फॉर बैरन लैंड, बैरन लैंड को यूज़ करने के लिए, जो बंजर भूमि है उसको रिचार्ज करके उसको यूज़ करने के लिए। द नेक्स्ट इज फॉर पॉपुलेट पीपल, पीपल्स को जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर उनको बसाने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको कर्व्ड आउट कहाँ से किया गया, तो हैरिक बेरीज, हैरिक बेरीज जो है वो टू रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, टू रिवर्स का संगम पॉइंट है। कौन कौन से, एक तो सतलुज और एक रावी, सतलुज और रावी रिवर जो है यहाँ से जो है उनके कॉन्फ्लुएंस एरिया, मतलब हैरिक बेरीज से ये जो हमारा इंदिरा गांधी कैनल है उसको स्टार्ट किया गया। फिर आता है कि इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल लेंथ है 649 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब का जो पार्ट है वो है, देखिए थ्री स्टेट की कंबाइन जो है ये पार्ट है, थ्री स्टेट का कंबाइन प्रोजेक्ट है जिसमें पंजाब का पार्ट है 169 किलोमीटर, हरियाणा का पार्ट है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, तो हरियाणा का जो पार्ट है वो है 14 किलोमीटर एंड द रेस्ट लाई इन राजस्थान। नेक्स्ट जो है वो सारा का सारा पार्ट राजस्थान में पड़ता है। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पोर्टेबल वाटर सप्लाई करता है 9 डिस्ट्रिक्ट को, 29 टाउन्स को और 3,461 विलेज को। देखिए 9 डिस्ट्रिक्ट, 29 टाउन्स एंड 3,461 विलेजेस को जो है ये वाटर सप्लाई करता है। कितनी बड़े एरिया के अंदर, थार डेजर्ट्स के इतने एरिया के अंदर जो है ये वाटर सप्लाई करता है। देखिए कितनी एरिया को ये रिचार्ज कर पाता है, ये जो एरिया है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है मसीता वाली को। मसीता वाली हेड जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो मसीता वाली हेड से ये स्टार्ट होता है और मोहनगढ़ नाम का एक एरिया है वहाँ पर इसका जो है वो एंडिंग पॉइंट माना जाता है। मसीता वाली हेड तक जो है इसका जो पॉइंट है, जो इसकी लेंथ है वो है 204 किलोमीटर। मसीता वाली में 204 किलोमीटर और मोहनगढ़ के अंदर जो इसकी लेंथ है वो है 445 किलोमीटर। कहाँ, मोहनगढ़। नेक्स्ट हमारे पास में जो बात आती है वो ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक इसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, इसके कैनल्स तैयार किया गया, डिफरेंट टाइप्स के कैनल, डिफरेंट टाइप्स के लिफ्ट कैनल्स जो है वो तैयार किए गए। तो जो 9 मेन ब्रांचेस जो थी इसकी बनाई गई वो ऊँचाई पर थी, तो उन ऊँचाई से 9 लिफ्ट कैनल्स, उस उन ऊँचाई से जो मेन कैनल से लिफ्ट कैनल्स तैयार किए गए नीचे की तरफ, और ये लिफ्ट कैनल्स जो है वो वेरियस टाउन और विलेज को पोर्टेबल वाटर सप्लाई करवाते हैं। तो ये टोटल लिफ्ट कैनल्स कितने हैं, टोटल लिफ्ट कैनल्स हैं 7। कितने हैं, 7 लिफ्ट कैनल्स, 7 लिफ्ट कैनल्स जो है इस पे बिल्ड किए गए, और इन 7 लिफ्ट कैनल से 17.41 करोड़ हेक्टर एरिया को रिचार्ज किया जाता है वाटर से। तो ये हमने ये पढ़ा कि ये जो है
वो कहाँ से कहाँ तक है, मैंने ये बताया था कि मसीता वाली हट से ये मोहनगढ़ तक है। पर अब इस जो कैनल को और एक्सटेंड किया है, ये कैनल जो है अब गदरा रोड ऑफ बीकानेर वहाँ तक जो है ये एक्सटेंड हो गई है। तो देखिए बहुत कुछ है जो इंदिरा गांधी कैनल के बारे में जानने के लिए आपकी बुक के अंदर इतना दिया हुआ है, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ लिखा है, तो आप इतना रिवाइज़ कीजिए, अपनी बुक से पढ़िए तो आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगा। और बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो हमारा बोर्ड लाइट पॉइंट है, तो आप दोबारा इस पॉइंट को फिर से अपनी बुक से पढ़िए। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।